रिसेंटली 8 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन लेकर सबको सरप्राइज कर दिया। एक दिन तो नॉर्मल जो जनता है उसको पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या है, और दूसरे दिन जाकर पता लगा कि जो 500 और 1000 के नोट हैं वो बंद हो गए हैं 28 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट विपक्ष ने भारत बंद का आह्वान किया है। और मुद्दा ये कि जो आम जनता है वो परेशान है डीमोनेटाइजेशन से। अब जो छोटे छोटे शॉपकीपर हैं उनको अपनी दुकान बंद करनी है, जो वेजिटेबल सेल करते हैं उनको अपनी दुकान बंद करनी है, जो नॉर्मल अपना व्यापारी है, साधारण व्यापारी है, उसको अपना काम बंद करना है। और लॉजिक अलग अलग कि इस व्यवस्था से, इस डिसीजन से आम जनता प्रभावित हुई है। आम जनता तो प्रभावित नहीं हुई, लेकिन विशेष जो जनता है वो प्रभावित हो रही है, और विशेष वो लोग जो 28 नवंबर को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। मुझको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जो कोई प्रॉब्लम है तो मैं देश हित के लिए उसको सहन कर सकता हूँ। और ये जो प्रॉब्लम है कुछ लोगों को हो सकता है हुई है, तो उसमें वो देश हित के लिए इसको थोड़ा सा सहन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद, जब 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या 6 मंथ के बाद में जब नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगी तो वो उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। बंद का आह्वान इसलिए किया है कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, जो आम जनता है, उसका रेफरेंस देकर कि उन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। टीवी पर, न्यूज़पेपर में, एवरीवेयर यू कैन सी दिस न्यूज़ कि भाई डीमोनेटाइजेशन की वजह से बड़े लोग जो हैं प्रॉब्लम में हैं, और बड़ी बड़ी लंबी कतारें एटीएम पर लगी हुई है। यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ आप सभी लोगों के लिए, और आप लोगों में से मैक्सिमम लोग विल बी अवेयर अबाउट इट कि जो कस्बे हैं, जो गांव हैं, उनमें केवल 2 ही बैंक अभी तक, कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था या पंजाब नेशनल बैंक था। और सभी को ये पता था बैंक जो होता है वो केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, SBI बैंक होता है, ICICI, एक्सिस है, सिंडिकेट बैंक है, यूको बैंक है, दूसरे प्राइवेट जो बैंक्स थे उनका तो किसी को नाम भी नहीं पता था। बैंक मीन्स स्टेट बैंक, SBI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक PNB, कि ये 2 बैंक होते हैं। और आप जस्ट इमेजिन कि एक टाउन के अंदर जिसकी पॉपुलेशन 50-60,000 है और जिसके आसपास कई गांव बसे हुए हैं और जिनकी टोटल पॉपुलेशन लैक्स को क्रॉस कर जाती है, डू यू थिंक दैट 10% या 5% पीपल बैंक को अप्रोच नहीं करते होंगे? क्या उस टाइम किसान या जो छोटे व्यापारी हैं बैंक को अप्रोच नहीं करते होंगे? अगर उस टाइम भी बैंक को, एक बैंक को या दूसरे, आप SBI का ये और PNB का ये अप्रोच नहीं करते होंगे, करते थे, एंड नाउ जस्ट इमेजिन दी सिचुएशन कि वो लंबी लाइन कितनी हो रही है। कितनी लंबी लाइन थी पैसा डिपॉजिट करने के लिए भी और पैसा निकालने के लिए भी। वो लाइन आज की जो ATM की लाइन है उससे ज़्यादा लंबी थी। आप एक बैंक ड्राफ्ट बनवाने के लिए आप 20 मीटर लंबी लाइन में खड़े होते थे, उसकी विंडो अलग। आप तब, आज जो बोल रहे हैं डीमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट, तब उनको ये प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ी? तब क्या किसान को प्रॉब्लम नहीं हुई? तब क्या छोटे व्यापारी को प्रॉब्लम नहीं हुई? किसी मजदूर को, आम जनता को, आम इंसान को प्रॉब्लम नहीं हुई? तब आपने इस चीज़ को क्यों ऑब्जर्व नहीं किया? जब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए एक लंबी लाइन लगी है, वो लंबी लाइन आपको दिखाई नहीं पड़ी? और ये जो आपके कोर्ट्स के अंदर जो लाइन लगी है ये आपको दिखाई नहीं पड़ती है? ATM की लाइन, एटलीस्ट यू आर गेटिंग समथिंग, आपको जो डेली रिक्वायरमेंट है उसके लिए पैसा मिल रहा है। लेकिन जो आपके कोर्ट्स में लाइन लगी है उसमें से तो डिसीजन भी
20 साल के बाद मिल रहा है। अब बैंक में जाकर देख लीजिए, जब कोई छोटा व्यापारी या कोई छोटा किसान या छोटा कोई मजदूर बैंक लोन के लिए जाता है, आप कैसे ट्रीट करते हैं? हैव यू थिंकिंग टाइम अबाउट दोज पीपल कि वो क्या प्रॉब्लम फेस करते होंगे? आज आपके ब्लैक मनी कागज में चेंज हो चुका है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, देन यू पीपल आर गिविंग द रेफरेंस दैट डिमोनिटाइजेशन डिसीजन इज इनअप्रोप्रिएट, इज यूजलेस एंड क्रिएटिंग द ब्लंडर। यू पीपल डिड नॉट सी एट दैट टाइम व्हेन पीपल आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स इन देयर नॉर्मल लाइफ, तब आप लोग कहाँ थे? और आप दुकान बंद करवाइए, छोटे मजदूर की होगी, छोटे किसान की होगी, छोटे व्यापारी की होगी, जो सब्जी बेचते हैं उनकी होगी, जो छोटा मोटा घर का सामान बेचते हैं उनकी दुकान बंद होगी, उनको तब प्रॉब्लम नहीं होगी। इंस्टेड ऑफ आप कोऑपरेट करिए गवर्नमेंट को कि वो अपना डिसीजन अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए और हम लोगों की कंट्री में एक सिस्टम बने, उसके अगेंस्ट आप क्यों लोग जाते हैं? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बताऊं क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वी वांट जस्ट ऑलवेज कीपिंग मोर एंड मोर, कि सारा कुछ हम लोगों के पास में ही रह जाए, किसी और को कुछ मिले ही ना। ये जो हम लोगों की हैबिट है ना, सबसे ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम है कि वी वांट जस्ट टू कलेक्ट, कि अगर मेरी डेली नीड पूरी भी हो रही है, एडवांस भी मेरे पास कल के लिए है, लेकिन फिर भी मुझको इकट्ठा करना है। ये जो इकट्ठा करने की हम लोगों की हैबिट है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ से। कुछ जगह प्रॉब्लम हुई है, कुछ लोगों का व्यवहार की वजह से प्रॉब्लम हुई है। कुछ लोगों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी, उस प्रायोरिटी को जिस पर्सन ने हैंडल किया है उसके व्यवहार की वजह से प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम डिसीजन में नहीं, प्रॉब्लम जो ट्रीटमेंट था बाय द कंसर्न पर्सन बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम हुई है। अगर ये नोटिस में आया तो हम लोग क्या अपना बिहेवियर या ट्रीटमेंट फॉर द नॉर्मल पीपल फॉर द पर्सन वो एक्चुअली रिक्वायर्ड दिस थिंग इमिडिएटली कैन नॉट चेंज? ये एटीट्यूड हम लोग चेंज नहीं कर सकते अपनी कंट्री के लिए कि दिस इज द राइट टाइम। इफ यू विल डिस्टर्ब दिस डिसीजन और दिस काइंड ऑफ डिसीजन, ऑब्वियसली वी विल फेस द आउटकम ऑफ दिस एक्टिविटीज। सो माई सजेशन और माई रिक्वेस्ट और माई पर्सनल डिसीजन इज दैट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी काइंड ऑफ बंद इन इंडिया।